दोस्तों, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का 2023 में, तो सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2021 और 22 में 306% ग्रोथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिला है। तो यार 2023 में तो काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन में आने वाले, काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर कन्फ्यूजन भी बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने बाद आपको जो है डाउट क्लियर होने वाला है। अगर आपका कोई प्लानिंग है 2023 में लेने का, तो 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड जो कि यार आप सभी को जो 2023 में जो है क्वालिटी स्कूटर प्रोवाइड करने वाले, कम से कम गाइस 5 या 7 साल तक जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे कि बात करें नंबर 5 ब्रांड के बारे में गाइस, वो है यार ट्रस्टेबल ब्रांड। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडिया के सबसे सेफर एंड बिल्ड क्वालिटी में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बजाज चेतक का जो प्रो वाला मॉडल जो अपग्रेड होकर 2023 में इंडियन मार्केट में आने वाला, जिसकी रेंज जो है अपग्रेड होकर जो है 150 किलोमीटर होने वाली है। फीचर्स की बात करें तो गाइस, फीचर्स यहाँ पर जो काफी फीचर्स अपग्रेड होने वाले हैं, बट जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट होगी उस पर काफी फोकस कंपनी का रहने वाला है। लाइक आपको जो डिस्प्ले वगैरह हो गया और भी कई सारे अदर फीचर्स वगैरह, एंड मेनली गाइस सेफ्टी भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, प्रो मॉडल में आपको जो रिमूवेबल बैटरी पैक भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो नॉर्मल अभी जो अवेलेबल है मार्केट में बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसकी जो है 95 किलोमीटर रेंज है, बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है और प्राइस इसकी थोड़ी सी ज्यादा है गाइस, बट इसकी लाइफ जो है 5-7 साल तक जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्योंकि यार बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है। किसी भी ब्रांड में, किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है मेटल बॉडी नहीं आती। मेटल बॉडी मतलब जो आपको होंडा की जो एक्टिवा है उसमें जो आपको पेट्रोल वाली स्कूटर में जो बॉडी मिलती है, वैसी बॉडी जो है बजाज चेतक में है। बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में, ब्रांड के बारे में गाइस, वो आता है, मतलब मैंने अभी नाम लिया था होंडा। जी हां गाइस, होंडा की फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि यार एक्टिवा बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है, इसे भी काफी सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे। तो गाइस जी हां, आपको जो है 2023 में 100% जो आपको जो है होंडा की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलने वाली है। और ऑलरेडी गाइस होंडा का जो है ऑन यहां पर जो बैटरी पैक भी अवेलेबल है, जिसमें जो आपको जीपीएस वाले फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आपकी बैटरी भी चोरी हो जाए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको जीपीएस मिलने वाला है, उसको जो है कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। तो रिमूवेबल बैटरी पैक तो मिलेगी, प्लस आपको जो कुछ फीचर्स भी आपको जो उस बैटरी में देखने को मिलने वाले है। और ऑलरेडी गाइस इन्होंने काफी टेस्टिंग भी यहाँ पर होंडा ने की है, ऐसा नहीं डायरेक्टली लॉन्च करने वाली है। 2022 में इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली थी, लेकिन आप सभी को पता होगा न्यू गवर्नमेंट के गाइडलाइंस वगैरह आने के बाद थोड़ा सा लेट इन्होंने किया, क्योंकि इनके पास आईसी इंजन वाली स्कूटर भी है, तो दोनों तरफ फोकस यहाँ पर इनका नहीं हो पा रहा था। इसलिए 2023 में इन्होंने बोला कि एक्टिवा बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में हम उतारने वाले हैं। रेंज की बात करें तो आपको जो अलग अलग मॉडल आपको देखने को मिलने वाले, जैसे कि फर्स्ट में जो 100 किलोमीटर की मिलेगी, सेकंड वाले मॉडल में 190 किलोमीटर तक रेंज आपको देखने को मिल सकती है। और स्पीड की बात करें गाइस, तो स्पीड आपको जो है 75 से लेकर जो है 85 km/h तक आपको स्पीड देखने को मिलने वाला है। और फीचर्स की बात करें तो आपको जो न्यू जनरेशन वाले सभी फीचर्स जो आपको होंडा की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाला है, जैसे कि लाइक आप सभी को पता होगा स्क्रीन वगैरह जो है OTA अपडेट वगैरह आपको जो मिल जाने वाले है, रिमूवेबल बैटरी पैक भी है, और सेफ्टी पर भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोकस करने वाली है। सेफ्टी भी गाइस 2023 में मतलब सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाले उसमें सेफ्टी तो भर भर के सेफ्टी मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कुछ ऐसे निकाले कि यार सेफ्टी तो सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में होगी जो 2023 में सेल होगी। प्राइसिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पर जो है होंडा की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग जो है 1,35,000 से लेकर जो है 1.5 लाख तक आपको देखने को मिल सकती है। बट हाँ गाइस, क्वालिटी स्कूटर तो आपको होंडा की मिलने वाली है। बात करते गाइस नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में गाइस, एथर एनर्जी की तरफ से। एथर एनर्जी की गाइस एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी काफी अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर मानी गई है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 2023 में, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। एथर एनर्जी को जो है पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करता है, और एथर एनर्जी का प्लानिंग भी चल रहा है कि 2023 में जो एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करने वाले है, इसमें फीचर्स वगैरह थोड़े से कम होगी और बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हो सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। बट अगर बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आती है इंडियन मार्केट में 2023 में, तो यार बहुत ही अच्छा हो सकता है। बट अभी जो मार्केट में अवेलेबल है एथर का थर्ड जनरेशन, जिसमें आपको यहाँ पर जो है 6 kW की मोटर, आपको जो है PMSM की बेल्ट ड्राइव मोटर देखने को मिल जाती है, जो आपको 80 km/h का स्पीड प्रोवाइड करती है, और आपको रेंज भी काफी अच्छी जो है ARI रेंज 140 km की ARI रेंज आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर आपको एक पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने 2023 में, तो एथर की तरफ आप जा सकते हो। आपको यहाँ पर जो है बहुत ही पावर आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि इंडियन मार्केट में जो है 2023 में तो यार बेस्ट होने ही वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में गाइज, वो आपको देखने को मिल जाता है 2 नंबर पर गाइज। जी हाँ गाइज, जो जनवरी महीने में इनका मैन्युफैक्चर स्टार्ट होने वाला है, सिंपल वन एनर्जी की इलेक्ट्रिक स्कूटर गाइज, इन्होंने जो काफी वेट किया है, जैसे कि यार मतलब 1.5-2 साल तो कस्टमर रुक चुके हैं। फाइनली 2023 के स्टार्टिंग से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। अभी यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जो टेस्टिंग के फोटोज वगैरह भी आए, जो कि रियल टेस्टिंग वगैरह कर रही है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फीचर्स तो आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले, लुक भी काफी अच्छा मिलने वाला है, प्लस
प्लस आपको जो रिमूवेबल बैटरी पैक भी मिलने वाला है और जो है 236 किलोमीटर की रेंज, मतलब आपको रियल में जो आपको 200 किलोमीटर तक आराम से रेंज देने वाली है। और इसकी गाइस प्राइस जो रखी है, मतलब पहले जो प्राइस थी 110,000 रुपीज एक्स शोरूम, जो की बोला जा रहा है की थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है। गाइस अगर 5-10 हजार भी इंक्रीज हो जाती है, 120,000 भी हो जाती है, तो 120,000 एक्स शोरूम प्राइस में गाइस आपको 200 प्लस किलोमीटर की मतलब रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल एनर्जी की सिंपल वन होने वाली है। और भी कई सारे फीचर्स इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अच्छे, जिसके यार आप सभी को पता होगा क्योंकि यार काफी दिन से ये मार्केट में चल रही है। तो फाइनली आपको जो 19 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, और गाइस 26 जनवरी को इनका इवेंट भी होने वाला है, तो उसमें और भी कई सारी बातें अपडेट्स वगैरह जो अपकमिंग इनकी तरफ से आने वाली वो शेयर हो सकती है। तो गाइस चलिए बात करते हैं यार नंबर वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 2023 में कौन सी होने वाली है। तो गाइस ओला की तरफ से जो ओला की तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर आप प्रेफर कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ओला की S1 जो आपको 99,000 एक शोरूम में मिल जाती है, ओला की S1 प्रो जो कि 1,39,000 में एक शोरूम में अवेलेबल हो जाती है, और ओला की जो 2023 में बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है ओला S1 ईयर, जिसके लिए यार काफी सारे यूजर वेट कर रहे हैं। 85,000 में गाइस जो है ARA रेंज जो आपको 101 किलोमीटर का मतलब 100 किलोमीटर का ARA रेंज आपको देखने को मिल जाता है। S1 प्रो में आपको जो है लगभग जो है 180 किलोमीटर का ARA रेंज मिल जाता है, और S1 में आपको जो है 140 किलोमीटर का ARA रेंज देखने को मिल जाता है, जो कि रियल में थोड़ा कम हो सकता है। बट लेकिन गाइस 2022 में सबसे बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला हुई है। ओला ने दिसंबर महीने में जो है अराउंड 17,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल किए एक ही महीने में, और 2022 में गाइस बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड जो ओला बन चुका है। और 2023 में इनकी तरफ से जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी आने वाली है, और भी कई सारे प्रोडक्ट जो है ओला की तरफ से आने वाले है। सो दोस्तों, ये थे कुछ 2023 के लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, अगर आप लेने का प्लानिंग करो तो आप ले सकते हो। दोस्तों आपको पांचों में से कौन सी अच्छी लगी, बेस्ट लगी? मेरे को तो गाइस सिंपल वन एंड ओला यहाँ पर जो काफी अच्छी लगी। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से जरूर बताएं। और गाइस वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। नया क्रिएटर हो गाइस, बट आपको जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला, क्वांटिटी कम मिलेगी बट क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है।